आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, बाजार में आज गिरावट देखी गई, कमेंट्री में बताया भी अनिल जी ने, बड़ी वजह, अब आगे का स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए समझना जरूरी है क्योंकि कल से नतीजों का सीजन भी शुरू होगा। आईटी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे भी आएंगे और वायदा बाजार की एक्सपायरी भी है, क्या एक्शन एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल मार्केट की जो चाल है वो आज से थोड़ी कमजोरी जरूर दिखी है, बट अभी चाल काफी स्ट्रांग थी और मैं मानता हूँ कि ये कमजोरी एक क्वाइट वारंटेड कमजोरी है क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है, नतीजों का मौसम है और नतीजों के मौसम के पहले नर्वस रहना मार्केट का लाजमी है। साथ ही साथ बजट का एक अनसर्टेनिटी का माहौल भी है, क्या आ सकता है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े या क्या फिस्कल नंबर्स रोड मैप देंगी सरकार, तो ये सब अनसर्टेनिटी के बीच में बाजार एक अच्छे खासे चाल के बाद थोड़ा छोटा बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। अब करना क्या है, करना ये है कि आपको इस गिरावट में छोटे अच्छी कंपनियां जो आप खरीदना चाहते थे, जो आप खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि भाव बढ़ गए थे, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो गए थे, ये अगर और भी गिरावट होती है और यहाँ पे अगर दाम सस्ते होते तो आप इस पे खरीदारी कर सकते हैं। वो एक लिस्ट बना के रख ले कि जिन कंपनियों पे आपको नजर है, आपको लगता है फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, उसका लिस्ट बनाए, अगर गिरावट बाजार में और भी लंबाती है तो इसको खरीदने का मौका रहेगा, तक रहेगा। ओवरऑल बाजार अगर नीचे आता है तो यहाँ पे खरीदारी का मौका रहेगा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बाजार इज वेल गुड फुटिंग। वोलेटाइल सेशन जरूर रह सकता है क्योंकि काफी सारे इवेंट्स हैं हमारे सामने। बिल्कुल, तो गिरावट में खरीदारी के मौके तलाशें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छी कंपनियों में सस्ते दामों में खरीदारी के मौके आपको ढूंढने हैं। आइए हमारे आज के एक्सपर्ट्स से उनकी फेवरेट पिक्स भी जान लेते हैं। बताइए यहाँ पर 1 से 2 महीने का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? स्वाति, 1 से 2 महीने के नजरिए से मैं अगर खरीदारी की राय दूंगा तो वो होगा चेन्नई पेट्रो, ऑयल एंड गैस की कंपनी चेन्नई पेट्रो, जिसका टारगेट आपको रखना है 1090 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 967 का। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2023 से हम लगातार बार बार स्टॉक को रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। चेन्नई पेट्रो जो 10.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, प्योर प्ले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है, गैस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में है, अगर देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग्स जो है 6.6 टाइम्स पे है, ईवी टू एबिटा 4 टाइम्स पे है, FY25 के चौथे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, मुनाफा 70% से ग्रो होते हुए दिखा। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है GRM, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $7.7 के करीब देखा गया वर्सेस $6.2। परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है रिफाइनिंग बिजनेस का और हम मानते हैं कि नेट कैश 2300 करोड़ के आसपास का रह सकता है FY26 में, और GRM $8.3 रह सकता है $7 के मुकाबले। चेन्नई पेट्रो काफी अच्छी कंपनी है, रिफाइनिंग मार्जिन भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, इस पे खरीदारी कर सकते हैं आप। 1090 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 967। चेन्नई पेट्रो पोजिशन व्यू दे रहे हैं इस पर सिद्धार्थ, और जैसा आप लेवल देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 1090 टारगेट, 967 का स्टॉप लॉस चेन्नई पेट्रो में आप लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है सिद्धार्थ आपको? देखिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप जो खरीदना चाहेंगे वो है APL अपोलो ट्यूब्स। APL अपोलो ट्यूब्स जिसका प्राइस 1566 के करीब का रहेगा, टारगेट आपको रखना है 1800 रुपए का, 1800 रुपीज का राउंड टोटल टारगेट June 2023 से। विद डिस्क्लेमर, हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं फंडामेंटली हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से APL अपोलो ट्यूब्स। अब ये बनाती है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स जिसमें इनका मार्केट शेयर है दमखम 55% का, अगर देखा जाए तो FY16 में इनका मार्केट शेयर हुआ करता था 27%, क्लोजली डबल हो चुका है मार्केट शेयर 55% पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्ले है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में, 3.6 मिलियन टन की कैपेसिटी है, वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से 40 टाइम्स पे ट्रेड होता है FY26 में, चौथे तिमाही के सेल्स भी अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे, केपेक्स है 500 करोड़ का और कुछ एक प्रोडक्ट्स में जहां इनका केपेक्स है जहां पे इनका मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है वो बहुत स्ट्रांग है, बेनिफिशियरी है, ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट रेलवे से, साथ ही जैसे कि फुट ओवर ब्रिज वगैरह वगैरह होते हैं इसका बहुत बड़ा योगदान रह सकता है APL अपोलो ट्यूब्स का, 200 करोड़ का केपेक्स है, मुनाफा 38% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है,
एपीएल अपोलो ट्यूब्स 3.6 या करीब क्लोज टू 4 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है, ये बढ़ के 10 मिलियन टन की कैपेसिटी हो सकती है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। 1800 रुपए का टारगेट, लंबे समय, एक साल का निवेश, बेहतरीन कंपनी, प्रॉमिसिंग कंपनी। बिल्कुल, एपीएल अपोलो लॉन्ग टर्म के लिए 1800 के टारगेट के लिए खरीदें। पहले कॉलर से बात करते हैं, भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, सिद्धार्थ जी, जय जगन्नाथ जी, नमस्ते। जय जगन्नाथ। मेरे जानना है, मेरे को जम्मू एंड कश्मीर बैंक 500 शेयर है, 2350 की खरीद है, और दूसरा शेयर है न्यूरोटा लिमिटेड, 526 में 40 शेयर है, तो क्या करें? उसको लॉस बुक करके निकल जाए और जम्मू कश्मीर बैंक में क्या करें? ओके, न्यूरेका में जबरदस्त नुकसान, इन्हें 526 की इन्होंने खरीद बताई और जेएनके बैंक में अच्छा मुनाफा, क्या करना चाहिए? देखिए, जेएनके बैंक तो काफी प्रॉमिसिंग है, नंबर्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज कुछ एक पैरामीटर्स में बहुत ध्यान दे रही है, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स, और रिटर्न ऑन एसेट्स और बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में, तो जेएनके बैंक पे तो आपको बने रहना चाहिए, मुनाफा भी है, बने रही है। रही बात न्यूरेका की, ना ही हमारी कोई कवरेज है, ना कोई रिपोर्ट है, ना हम कभी रेकमेंड किए हैं, बट हाँ ये स्टॉक आप नुकसान तो काफी बड़ा कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि नुकसान बड़ा है तो कहीं पे भी आपको अगर मौका मिले, उछाल मिले तो निकल जाए, अपॉर्चुनिटी लॉस ना करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे विकल्प हाजिर है जहां पे आप अच्छा कहीं पे भी नुकसान जैसे कि ये कंपनी में हो रहा है उसको आप भरपाई कर सकते हैं, तो उस मौके को तलाशें और इस पे उछाल पे निकल जाए। ओके, उछाल पर न्यूरेका से निकलने की सलाह आपके लिए, जेएनके बैंक में बने रहिए। जयपुर से विनोद जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सिद्धार्थ सर। नमस्कार मैडम, मेरा डाटा पैटर्न लिया हुआ है 3600 के भाव पर, और मेरा की गार्डन डी शिप बिल्डर मैंने 2700 पर एकदम हाई पर ले लिया है, और आरईसी लिया हुआ मेरा 600 पर, और मेरा इरकॉन लिया हुआ है की 310 पर, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। और मेरा सिद्धार्थ सर सवाल है, वो जर्मनी कब लेके जा रहे हैं? इनका कॉल पहले भी लगा था शायद सिद्धार्थ, और सवाल तब भी इन्होंने ये पूछा था। चलिए स्टॉक्स पर जवाब दे दीजिए। देखिए, जो रेलवे स्टॉक्स है आपके, इरकॉन और आरवीएनएल या जो भी आपने ले रखा है, तो बजट के लिहाज से सब स्टॉक में अच्छी एक मूवमेंट है, इस पे आप बरकरार रह सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, बट एक चीज है, जरूर स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। पहला स्टॉक कौन सा था, मैं मिस कर गया? डेटा पैटर्न एक बेहतरीन कंपनी है, इसपे अब हालांकि आपने थोड़े से ऊपर के दाम में खरीदा है, बट डेटा पैटर्न में बने रह सकते हैं क्योंकि प्रॉमिसिंग है, हमारी कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, बट डेटा पैटर्न पे आप बने रह सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस जो हमने देखे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं। रही बात आपके सवाल की, जो आपने पहले भी पूछा था जर्मनी की, तो जरूर जाएंगे, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से चाल दिखा रही है, निफ्टी कभी भी बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचेगी, तो जैसे ही ऊंचे मुकाम पे निफ्टी पहुंचेगी हम भी जर्मनी जरूर जाएंगे। ओके, निफ्टी के ऊंचे मकाम की तैयारी और उसके बाद वादा को पूरा करने का वादा कर रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर से दीपक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? सिद्धार्थ जी नमस्कार, मेरे पास HLE फ्लोट ग्लास के 350 शेयर हैं, 657 में लिए थे लास्ट ईयर, तो उसका बताइए कि रखना है या निकालना है? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कब तक का व्यू आपने रखा है? ओके, लॉन्ग टर्म बता दिया इन्होंने। क्या रही 67 पर खरीदी थी आपकी? 657 वही मैंने सोचा 657 यस, ऊंची खरीद क्या करें? देखिए नमस्कार, इस पे तो मेरी कोई राय नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा रीडिंग है, बट हाँ आपने काफी ऊंचे दाम पे खरीदे हैं, और ये पूरा जो बिजनेस है यहाँ पे एक बिग केपेक्स जरूर है पूरे सेक्टर में, तो डेफिनेटली आप बने रहिए, बट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत बड़े हाई होप्स लेके ना खड़े रहे, 3 महीने का नजरिया रखे, रिव्यू करें इनके रिजल्ट को, एक बार रिजल्ट अगर ठीक ठाक दिखते हैं तो आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अगर आपको लगता है
रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं या नंबर्स में कहीं गड़बड़ी है तो आपको निकल के दूसरी कंपनी पे जाने की सलाह रहेगी, बट एटलीस्ट एक आध क्वार्टर का आप रिजल्ट जरूर देखें। बिल्कुल सर, और एक से दो दिन का नजरिया सिद्धार्थ आप बाजार पे कहां रख रहे हैं? एक केमिकल स्पेस पे ध्यान रखूंगा और उसमें होगा सुदर्शन केमिकल, पिगमेंट्स की कंपनी है। सुदर्शन केमिकल पे खरीदारी की राइस, स्टॉप लॉस 865 का, टारगेट 900 रुपए का। सुदर्शन केमिकल। ओके, तो इंट्राडे के तौर पर सुदर्शन केमिकल पसंद है सिद्धार्थ को, 865 का स्टॉप लॉस और 900 के टारगेट के लिए आप इसमें बना सकते हैं अपना व्यू। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।